हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट अलका श्रीवास्तव। और आज मैं हूँ आपकी फ्रेंड अलका। तो आज मैं जो वीडियो लाई हूँ वो बहुत ही यूजफुल होने वाली है आप सभी के लिए, मेरे लिए भी, तो जो बिगनर है उनके लिए खास तौर से है, हम सभी बिगनर के लिए ये यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो जो है मैंने बहुत दिमाग लगा के, बहुत सोच के आइडिया लगाया है कि इससे भी एक हेयर कट किया जा सकता है। तो इस वीडियो के लिए हमें चाहिए एक कपड़ा चाहिए। तो कपड़े हमारे घर में वेस्ट पड़े ही रहते हैं और हम सब वेस्ट उस वेस्ट कपड़े का यूज नहीं करते। तो आज मैं उस वेस्ट वेस्ट कपड़े का यूज करके एक हेयर कट करने जा रही हूँ। तो सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। बहुत दिमाग लगाया तो मैंने ये कटिंग की है। कटिंग करने के लिए कपड़े तैयार किया है। तो वैसे तो हम लोग फेंक ही देते हैं, अगर उस कपड़े का कुछ यूज हो जाए, हम इस्तेमाल कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग वैसे तो हम लोग को कपड़े पे कटिंग करके सिलाई सीखा है, लेकिन आज पहली बार यूट्यूब पे मैंने ये वीडियो डाला है। तो आप लोग देखिए, यूजफुल बहुत है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को मेरा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो हेयर कट करने के लिए हम लोगों को इस तरह का कपड़ा चाहिए, स्क्वायर में या ऐसे लंबे में कपड़े चाहिए। ये देखिए, ट्रायंगल नहीं चाहिए, रेक्टेंगल ले सकते हैं हम लोग इस तरह से। ये लंबाई में कपड़े चाहिए, जितना आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से हम कपड़े ले लेंगे। और कपड़े लेकर इस तरह से प्लेन कपड़े लेके पतली पतली पट्टियाँ काट लेंगे, ऊपर से बिल्कुल अलग नहीं के थोड़ा सा गैप जगह छोड़ देंगे, ताकि हम कहीं स्टिक करके या हैंग करके अच्छे से लटका सके, हैंग कर सके, या आप टेप से भी लगा के कर सकते हैं। ये देखिए, पतली पतली पट्टियाँ काट लेंगे। इसके लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। इसके लिए आप टी शर्ट का कपड़ा, बेडशीट पुरानी हो वो, या साड़ी ले सकते हैं, या कोई भी ले सकते हैं आप। तो इस तरह से हम लोग लेके कटिंग सारी कर लेंगे। इसके लिए तीन चार लेयर लेनी पड़ी, चार या पाँच लेयर ले सकते हैं तय करके। इस तरह से सारी कटिंग करके इस तरह से, ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया और स्टिक कर लिया है, पेपर टेप से स्टिक कर लिया है प्लेन दीवार पर, वॉल पर, आप कहीं भी इस तरह से अलमीरा पे भी लगा सकते हैं। और कटिंग करने के लिए इस तरह से मैंने लगा दिया है। ये सोचिए आपके क्लाइंट के हेयर हैं और आप कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कटिंग करूँगी, वन लेंथ हेयर कट करूँगी। तो वन लेंथ हेयर कट के लिए इस तरह से बाल को सुलझा लेंगे और हेयर को वेट कर लेंगे या वाटर स्प्रे कर लेंगे। और देखिए, कॉम से अच्छे से सुलझा लिया है मैंने। अब हम मेजर कर रहे हैं बालों को कटिंग करने के लिए, हमारे क्लाइंट को कितना हेयर कट करना है, तो उस हिसाब से हम लोग हेयर कट करेंगे। जितनी लेंथ चाहिए उतना हम करेंगे। अनइवन सा जो लग रहा है ना बाल, उसको बराबर करने के लिए तो वन लेंथ कटिंग करते हैं। उसको करने के लिए ये मेजर कर लिया गया है कि कितनी कटिंग चाहिए, बस उतनी ही, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा कर ही थोड़ा सा कटिंग कम कर, जितने क्लाइंट को चाहिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रख के कट करेंगे, ताकि हमें जब कटिंग करनी हो तो बाल थोड़े अधिक मिले, ताकि अच्छे से एक शेप आ सके। शेप नहीं देना, बस वन लेंथ कटिंग करनी है, तो थोड़े बाल अधिक चाहिए। अगर हम बिगनर है तो हमें थोड़ी सा टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाल रख के ही हम कटिंग करेंगे। तो एक गाइडलाइन हमने जो बना ली है, उसी साइड साइड से दोनों एक एक लेयर लेकर, एक एक स्टिक लेकर हमने गाइडलाइन बना ली है दोनों साइड से। एक इस तरह से कटिंग होती है और एक हम 20 से भी ले सकते हैं। 20 से एक थोड़ा सा स्टिक उठाएंगे और कटिंग कर लेंगे, वो गाइडलाइन हो जाएंगे, उसी को फॉलो करते हुए कटिंग करेंगे। अब हम कटिंग करेंगे, थोड़े थोड़े लेयर लेकर हम कटिंग करते जाएंगे। आप चाहें तो 20 से पार्टिंग करके आधे में क्लिप लगा सकते हैं, हेयर क्लिप आती है, सेक्शन पिन, उसको लगा सकते हैं। नहीं है तो आप क्लचर भी लगा सकते हैं, अभी घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। और इसी तरह थोड़े थोड़े बालों को हम कट करते जाएंगे, अनइवन से जो दिख रहा है उसको कट करेंगे। ये देखिए, कट कर लिया है। अब हम अच्छे से फिर से कॉम करेंगे, कॉम करके सुलझा के करेंगे। अगर वेट नहीं लग रहा बालों को तो अच्छे से वेट कर लें, ये गाइडलाइन है, इसी को फॉलो करते हुए सारी कटिंग करनी है। अब सीजर से अच्छे से कटिंग करेंगे। ये
हम चूंकि कपड़े पे कर रहे हैं तो थोड़ा मोटा पड़ जा रहा है, इस वजह से सीजर अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो बिगनर के लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो यूजफुल होने वाला है। हम कहीं से सीख तो लेते हैं, पर सीखने के बाद हमें प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता, कोई मिलता ही नहीं कटिंग करने के लिए, कोई कटवाना नहीं चाहता। तो ये आइडिया बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो सभी बिगनर्स के लिए बहुत वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो हम घर बैठे ही अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी पुराने कपड़े को लेकर उस पर हेयर कट किया जा सकता है, हेयर कट के ही जैसा ये फील होगा कि मानिए अपना ये हेयर कट है क्लाइंट के और हम कटिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से हम कट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा कटिंग हो गया है। इसको भी दो तरीके से मैंने बताया, साइड साइड से दोनों लेयर लेके कट कर सक गाइडलाइन बना लेंगे और उसको फॉलो करते हुए सारे बाल को कट करते जाएंगे, थोड़े थोड़े एक बराबर सी लाइन बना के कट करते चलेंगे। या फिर आप सेंटर से एक स्टिक उठाकर एक लेयर लेकर आप थोड़ा थोड़ा कटिंग कर सकते हैं हाफ हाफ में, तो उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सारे कटिंग कर सकते हैं, या तो फिर दोनों तरीके अच्छे हैं। अब ये देखिए मेरी फर्स्ट कटिंग हो गई है, एक अच्छी फिनिशिंग आ गई है। इस तरह से आप क्लाइंट के कर सकते हैं। आपके पास हेयर नहीं है तो क्या, फिर आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। ये फर्स्ट था, अब मैं सेकंड दिखाऊंगी। तो फर्स्ट था मेरा वन लेंथ कटिंग, अब मेरा सेकंड हेयर कट है, यू शेप है। इस पर मैं आज यू शेप भी बताऊंगी। ये हमारी सिस्टर जो है सीख तो लेती हैं पर प्रैक्टिस करने के लिए हमें नहीं मिलता कुछ भी। तो हम आज इसी कपड़े पे ही सारी कटिंग करेंगे। ये कपड़े तो वैसे सबके घर में होता है पर हम जो हैं कि नहीं उस पर ध्यान देते हैं, तो आज मैं इसी पर प्रैक्टिस करके दिखा रही हूँ। ये देखिए हमने एक गाइडलाइन बना ली है साइड से, फिर से यू शेप है, तो चूंकि हम थोड़े से ऊपर से साइड के बाल कट करेंगे, गोलाई थोड़े से नीचे से लानी है, जो गाइडलाइन बना है उसी को फॉलो करते हुए गोलाई थोड़ी सी नीचे से लाएंगे। वो देखिए मेरी गाइडलाइन है, तो वहाँ से थोड़ी सी हल्की तिरछी कटिंग तिरछा सीजर करेंगे, थोड़ी सी गोलाई बनाते हैं। ये यू शेप में हल्का लाइट यू कर रही हूँ, डीप यू नहीं कर रही, नहीं तो आगे से छोटा हो जाएगा। फिर ये लाइट यू है, डीप यू करेंगे तो और गहरा होगा ये कटिंग, और ऊपर फर्स्ट लेयर जो मैंने गाइडलाइन बनाई तो और ऊपर जाएगा। लेंथ था, आप अपने अकॉर्डिंग क्लाइंट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे हम लोग की लेंथ कितनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से, अगर आपको दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है तो आप हेयर को और वेट कर सकते हैं। कटिंग इस तरह से थोड़े थोड़े मिला मिला के हाथ में भी फंसा के, अगर प्रॉब्लम हो रही तो थोड़े थोड़े लेयर लेकर करते जाएंगे। अगर प्रॉब्लम हो रही है पूरे बालों में तो हाफ हाफ बाल लेकर हाफ बालों को क्लच कर देंगे बालों के क्लिप से, फिर हम हाफ बालों में इस तरह से गुलाई देते हुए करते चले जाएंगे। उस साइड से भी हम जो गाइडलाइन मैंने बनाई है उसको लेंगे। ये देखिए कॉम से अच्छे से बालों को सुलझा लेंगे ताकि कोई भी टेंगल ना रहें, कांटे ना रहें। अब इस तरह से सुलझाने के बाद फिर देखेंगे हम लोग अच्छे से सीजर से कटिंग करेंगे। थोड़ी थोड़ी गुलाई लाते, थोड़े थोड़े बालों को लेते हुए इस तरह से गुलाई बनाते, यू शेप देते हुए हम लोग चले आएंगे ऐसे कटिंग करते। ये देखिए इस तरह से कटिंग करेंगे, जहाँ भी लगे अनइवन सा है तो उसे भी कट करते चलेंगे, क्योंकि बाल बीच बीच में फंस जाते हैं तो फिर से निकलते हैं। ये देखिए थोड़ा गुलाई गुलाई यूस में आ रहा है। फिर से कॉम करके 3-4 बार रीचेक करेंगे कि कहीं कोई बाल छूटे तो नहीं है। कॉम करेंगे अच्छे से, बालों को वेट करना तो वेट कर लेंगे, अगर सूख गए हैं बाल तो ड्राई हो गए हैं तो। ये देखिए अब यू शेप लग रहा है, कहीं कहीं अनइवन सा है कॉम करने के बाद, तो उसे फिर से हम कट कर लेंगे। ये यू शेप सेकेंड हेयर कट हो गया हमारा यू शेप का। अब थर्ड कटिंग हेयर कट करेंगे हम लोग वी शेप। वी शेप करने के लिए हम मेजर कर लेंगे कि इस तरह से हो सकता है, कॉम लेके भी आप कर सकते हैं, आप एक स्केल की से भी मेजर कर सकते हैं कि हमको कितना चाहिए, लाइट चाहिए वी कि डीप यू वी चाहिए। वी से भी देने के लिए एक गाइडलाइन बनाएंगे, उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग सारी कटिंग करेंगे।
ये देखिए, आप इस कॉम से भी कर सकते हैं और हम स्केल से भी अच्छे से, कोई भी कटिंग करने के पहले बालों को अच्छे से वेट करेंगे, फिर वेट करने के बाद कॉम करेंगे कि कोई भी टेंगन ना रहे, गांठे ना रहे। फिर हम मेज़र करेंगे कि कहाँ तक लेंथ चाहिए, कौन सी कटिंग चाहिए, उस हिसाब से ये गाइडलाइन बनाएंगे। गाइडलाइन को ही फॉलो करते हुए सारी कटिंग करेंगे। जैसे कि मैंने एक गाइडलाइन बना लिया है, साइड साइड में एक एक स्टिक ले लिया दोनों साइड में, ईयर टू ईयर हमने एक गाइडलाइन बनाई है, उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए देखिए स्केल से मेजर कर लेंगे कि कितनी आपको ये इस तरह से तिरछी करनी है कटिंग, वी शेप में लानी है तो वी शेप लाने के लिए इस तरह से मेजर कर लेंगे, यहाँ से यहाँ इतना कटिंग करनी है। आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे कितने मुझे कटिंग करनी है, उस हिसाब से सेट हो जाता है बाल। ये देखिए, वी शेप करने के लिए ऐसे तिरछी कटिंग, तिरछी सीजर चलानी पड़ती है, सीजर को बिल्कुल ऐसे तिरछा करना होता है। इस तरह से तिरछी सीजर लाते हुए हम लोग कटिंग करेंगे। आप इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं, या फिर आपको आइडिया मिल गया फिर उसी हिसाब से आप ऐसे ही करते चले जाएंगे कटिंग। सीजर को बिल्कुल तिरछा करते हुए ऊपर से नीचे की ओर ऐसे करते हुए लाएंगे हम लोग। ये देखिए, ये बिगनर्स के लिए वीडियो है, जो नहीं सीख पाते हैं, सीखने के बाद भी कोई नहीं मिलता क्लाइंट या कोई भी घर पे नहीं हो, तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस घर बैठे ही कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ये सीखने का बहुत ही बढ़िया आइडिया है, बहुत ही यूजफुल वीडियो है हमारे सिस्टर्स के लिए, जो घर पे बैठ के कहीं नहीं जा पा रही, पार्लर नहीं जा पा रही, बाहर भी नहीं सीख पा रही, तो घर पे ही हेयर कट सीख सकती हैं। अगर पार्लर में सीखा फिर प्रैक्टिस के लिए कोई नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है सभी बहनों, सभी सिस्टर्स के लिए, बिगनर्स के लिए। मैंने भी बहुत देखा है, मैंने सीखा था, फिर मुझे भी नहीं मिल रहा था सीखने के लिए, कोई कोई क्लाइंट वगैरह नहीं मिल रहे थे। मैंने भी ऐसे ही प्रैक्टिस की है, पेपर पे प्रैक्टिस की है, आर्टिफिशियल हेयर पे, फिर कपड़े पे भी मैंने किया है। तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी जरिया हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं आपको नेचुरल हेयर ही मिले, तो कुछ किसी भी चीज़ पे हम कर सकते हैं, मन में चाहो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये आइडिया निकाला है तो शायद आप लोग को पसंद आए, यूजफुल हो आप लोग के लिए। अगर ज़्यादा आप लोग को पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी सारी बहनों को इसका यूज फ़ायदा हो, यूज करने पर उनकी प्रैक्टिस हो अच्छे से। मैंने भी बहुत ज़्यादा इसको सोचा समझा, तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। घर पे ही बैठे बैठे मैं हम लोग इस तरह से कई प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए, बातों बातों में सारी कटिंग हो गई है वी शेप में। वी शेप करने के तिरछी कट सीजर एकदम चलानी चाहिए, थोड़े थोड़े लेयर लेके, बालों को थोड़ा थोड़ा लेके, ये तो कपड़ा है तो गिर ना जाए। हैंग मैंने किया है इसलिए थोड़ा थोड़ा मैंने पकड़ के किया है कटिंग। अब बाल है तो इस तरह दिए, देखिए सारे बाल की कटिंग थोड़ी थोड़ी हुई है, मैंने इतना किया हेयर कटिंग करने के बाद, ये सारे हैं कटिंग का बाल, हेयर इस तरह से हैं। ये देखिए, है इतना ही थोड़ा सा कटिंग हुआ, थोड़े थोड़े बालों को मैंने कट किया है, ज़्यादा बाल मैंने नहीं कट किया। तो जो है ये देखिए, फर्स्ट वन लेंथ कटिंग है, सेकेंड यू शेप है, थर्ड मेरा वी शेप है। तो YouTube पे शायद ही पहली बार किसी ने कपड़े पे हेयर कटिंग सिखाया हो, तो मैंने आज सिखाया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मेरे सभी बहनों को इसका फ़ायदा हो, और मैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फैमिली फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो थैंक यू एंड बाय बाय।